अच्छे नताइज। देखिए, मेरा ख्याल है कि इट्स द मैटर ऑफ नॉट द डेज, इट्स अ मैटर ऑफ कि हम कश्मीर पॉलिसी को ओवर द इयर्स किस तरह लेके चल रहे थे। हमने जब ये गवर्नमेंट आई है तो उसमें उनको इतनी जरूरत हुई, पहले क्यों नहीं हुई? पहले तो आप इस बात पे सोचे ना, वो तो टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ आए ना, तब उनको इतनी जरूरत हुई। उन्होंने इसको बड़ी देर से, वो अपनी उनकी इलेक्शन कैंपेन का ये सारा हिस्सा था, और उस वक्त जो है ये तो साल हो गया है पीटीआई की हुकूमत आए हुए, और उससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसमें देखें एक बायलेटरल डायलॉग की कैफियत थी, एक रिस्पेक्ट थी, एक डिग्निटी थी हमारा जो है पीएमएलएन के लीडर मियां नवाज शरीफ की, और उनका एक रोब और दबदबा था, और वो उसकी वजह से दोनों लीडर्स पाकिस्तान आए, और उन्होंने यहाँ पर आकर कश्मीर इशू समेत तमाम मामलात पर उन्होंने कहा कि बायलेटरल टॉक होगी। और जब यानी इसको जिस तरह लाहौर एलामिया के मुताबिक, और उससे पहले शिमला कश्मीर वो जो था हमारा मुआहदा शिमला के तहत, मेरी बात सुन लें, और आप उसके तहत बाउंड हैं बायलेटरल टॉक्स के लिए। अब इमरान खान की हैसियत एक पपेट हुकुमरान की है, जब से वो आए हैं ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट द मोदी, बट ही इवन ही डिडंट लिसन टू हिज सिंगल कॉल। कई दफा हमने कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप की वीकनेस है हमारी वर्ल्ड में इस वक्त। देखे ना, मुझे जो आज न्यूज है, मैं बड़ा उस पर परेशान हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स की जो यूएनओ की जो काउंसिल है उसमें इन द जंग एंड इन द आई थिंक इट्स आल्सो इन द डॉन कि वी कुड नॉट इवन यानी जो है फेच द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई, even they have not voted for us.